नमस्कार दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर एक और नई सेल स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम रखा गया है दोस्तों शॉप फ्रॉम होम डे सेल। दोस्तों जो सेल है ये 27 मई से लेकर 29 मई तक चलने वाली है और जिन लोगों के पास फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप है वो लोग इस सेल का फायदा उठा सकते हैं 26 मई से ही। दोस्तों इस सेल का नाम ये इसलिए रखा गया है क्योंकि काफ़ी लोग दोस्तों लॉकडाउन की वजह से शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट ने इसलिए इसी वजह से स्टार्ट की है जिससे लोग फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकें और अपने लिए दोस्तों कोई अच्छा फ़ोन या अच्छा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम इस यहाँ से परचेज कर सकें। दोस्तों जियो सेल है इसमें आपको काफ़ी ऑफर देखने को मिलते हैं, बट वहीं दोस्तों एक इसमें गलत चीज़ दे दी गई है कि दोस्तों इसमें दोस्तों जो बैंक डिस्काउंट देखने को मिलता है वो आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिलता है। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलता है। दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो दोस्तों वो लोग इस सेल का फ़ायदा नहीं उठा सकते बैंक ऑफर के साथ। दोस्तों अच्छी बात यह है कि अगर आप बैंक ऑफर भी नहीं लगाते हो फिर भी आपको हर स्मार्टफोन के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्काउंट देखने को मिलेगा जो फ़ोन इस सेल के अंदर आपको मिलेगा। दोस्तों जो लोग कोई स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं वो लोग इस सेल से अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीद सकते हैं क्योंकि दोस्तों जो सेल है ये 27 मई से स्टार्ट होने वाली है और 29 मई तक चलेगी जिसमें दोस्तों आपको कई स्मार्टफोन के ऊपर अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक का उन लोगों को डबल डिस्काउंट देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर। दोस्तों इस सेल में काफ़ी स्मार्टफोन हैं जिन्हें आप इस सेल से खरीद सकते हो 27 मई से लेके 29 मई तक। तो दोस्तों इस सेल में आपको कौन से स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं ये आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करने पर ही पता चल जाएगा, बट दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा अगर आपको कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो आपको 10,000 से कम कीमत में देखने को मिल जाए इस सेल के अंदर तो मैं बोलूँगा आप रियलमी का नाजो 30A ले सकते हो जो दोस्तों आपको मिल जाएगा सिर्फ 8,000 रुपये का। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है फिर भी दोस्तों ये आपको 8,000 का पड़ जाएगा जो कि दोस्तों एक 4G फ़ोन है और काफ़ी अच्छा फ़ोन है रियलमी की तरफ से।